हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड करलो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास एक अच्छी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम चिल्ड्रन पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोसेस देखेंगे और उसको दोनों लैंग्वेज में कोड करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम चिल्ड्रन अपने पास क्या करिए भाई, इन ए स्टॉक मार्केट देर इज अ प्रोडक्ट विद इट्स इन्फाइनाइट स्टॉक, ठीक है। मतलब हर एक प्रोडक्ट की इन्फाइनाइट स्टॉक अपने पास है। द स्टॉक प्राइस आर गिवन फॉर एन डेज, मतलब एन डेज के लिए, जैसे यहाँ पर 3 डेज है, 1, 2, 3, हर एक के लिए अपने पास स्टॉक प्राइस गिवन है 10, 7, 19। वेयर प्राइस ऑफ आई डिनोट द प्राइस ऑफ द स्टॉक एट आई डे, जो मैंने आपको बताया। देर इज अ रूल डैट कस्टमर कैन बाय एट मोस्ट आई स्टॉक ऑन द आई डे। इसका मतलब अभी आज के दिन मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस है 10, ये पहला दिन है अपना, लेकिन पहला दिन है तो एक ही स्टॉक आप इसका खरीद सकते हो। अब दूसरा दिन है, प्राइस 7 है, लेकिन आप 2 ही स्टॉक एट मैक्स खरीद सकते हो। तीसरा दिन है, प्राइस 19 है, लेकिन आप 3 ही स्टॉक एट मैक्स अपने खरीद सकते हो, ठीक है। तो इफ़ द कस्टमर हैज़ एन अमाउंट ऑफ के, अगर आपके पास कुछ भी के अमाउंट आपको दे दी जाती है और एंड डेज की आपको अमाउंट बता दी जाती है स्टॉक का क्या प्राइस रहने वाला है, और आपको पता है आई एथ डे पर मैं आई एथ नंबर ऑफ स्टॉक ही खरीद सकता हूँ, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम स्टॉक आप कितना बाई कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये है अपने पास। जैसे अगर बात करें इसकी, पहले दिन 1, फिर दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो हम कैसे खरीदेंगे, पहले दिन 1 ही खरीदा, ठीक है 10, दूसरे दिन 2 खरीदें, 7 × 14, 14 रुपये के आगे टोटल हो गए अपने 24, ठीक है। फिर अगले दिन 1 ही खरीदा, ठीक है। अगले दिन 3 खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी अमाउंट ही नहीं बची है, ठीक है, क्योंकि 14, 10, 24 तो यही हो गया अपने पास, 20, 21 रुपये बचे हैं। तो 21 रुपये में 19 वाला हम 1 ही खरीद सकते हैं, तो हमने 1 अपना खरीद लिया। तो मतलब टोटल 1 इसके, 2 इसके और 1 इसके, टोटल 4 स्टॉक हमने खरीदे गए जी, 4 अपना आ गया आंसर, ठीक है। तो अब व्हाइट बोर्ड पर जाते हैं, देखते हैं इसकी अप्रोच क्या बनेगी। तो अब हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, मान लेते हैं अपने पास स्टॉक है जैसे 10, ठीक है, 7, 19, 8, 4, ठीक है, 25, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर डे भी लिख लेते हैं, ये पहले दिन का, ये दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, पांचवें दिन का, छठे दिन का, ठीक है। ये हो गया अपने डेज, ये हो गया अपने, अरे भाई डेज, ठीक है। तो अब देखो सिंपल बात, आपको क्या करना है, पहले अपना सोच के चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक खरीदने हैं। एक अमाउंट आपके पास के यहाँ पर कह लेते हैं, लेट्स से अपने पास 100 दिया, ठीक है, इसमें अब आपको स्टॉक मैक्सिमम खरीदना है, ठीक है। स्टॉक मैक्सिमम आप कब खरीद पाओगे, जब आप सस्ते वाला स्टॉक खरीदोगे। बिल्कुल सिंपल, इसका मतलब जो अपना मेन फंड अट जाता है किस पर जाता है, हमें भाई सबसे पहले कोशिश करना है सस्ते वाला जितना ज़्यादा हो सके उतना खरीद ले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते वाला खरीद ले। तो सबसे पहले सस्ते वाला देखते हैं भाई, सस्ते वाला अपने पास 4, लेकिन भाई मतलब 4 के मैं 5 ही खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो 4 के मैं 5 ही खरीद सकता हूँ, तो 20 रुपये मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। अमाउंट बचेगी मेरे पास कितनी, अमाउंट होगी लेफ्ट 50, 4 वाले 5 स्टॉक मैंने खरीद लिए, ठीक है, इसका पत्ता हो गया कट। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है 7, बिल्कुल ठीक है, 7 वाले मैं 2 खरीद सकता हूँ, 7 वाले मैं 2 खरीद लूँगा, 7 वाले मैंने खरीद लिए 2, 7 × 14, अमाउंट बची मेरे पास कितनी भाई 66, ये मैंने खरीद लिए 2। फिर आगे मेरे पास 8 वाले, ठीक है, 8 वाले मैं खरीद सकता हूँ कितने, 4, 8 × 4 = 32, ठीक है, ये मैंने खरीद लिए 4, 32 32 कितने होंगे अपने 64, मतलब 34 रुपये अपने पास बच गए, ठीक है। अब मेरा इसका भी कैंसिल हो चुका है, इसका भी कैंसिल हो चुका है, मेरे पास आ गया अब 10 वाले सस्ते, 10 वाले एक ही खरीद सकता हूँ, मैंने 10 वाले एक खरीद लिया, 24 रुपये बच गए, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास 19 वाले, 19 वाले मैं 3 खरीद सकता हूँ, ठीक है, 24 रुपये बचे हुए मेरे पास, क्या मैं 3 खरीद सकता हूँ, नहीं, 2 भी नहीं खरीद सकता, तो 1 ही खरीद दूंगा, ठीक है। पैसे बच गए मेरे पास 5 रुपये, 5 का मैं कुछ नहीं कर सकता, मामला खत्म। तो मेरे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अपना आंसर आया है। एक बार ये इनपुट डाल के अपना आंसर चेक करते हैं कि भाई 13 है या नहीं। अपने पास एन की वैल्यू है 6, के की वैल्यू अपने पास 100 और एन की वैल्यू अपने 80 ही डाल देते हैं जी। तो कस्टम इनपुट पर जाते हैं एक बार, ठीक है, अपने पास एन की वैल्यू है 6, के की वैल्यू है 100 और अपने पास जो अमाउंट थी वो क्या थी भाई 10, 7, 8 कुछ इसी तरह से थी, एक बार देख लेते हैं, 10, 7, 19, 8 सॉरी 10, 7, 19, 8, 4 एंड 25, ठीक है, ये अपने पास अमाउंट थे, अपना आंसर आया था भाई 13, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड 13 आना चाहिए, एक्सपेक्टेड 13 है, तो मतलब ठीक है, जो हमने अपना ड्राई रन किया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
एग्जाम्पल जो हमने समझा। तो अभी अपने को क्या समझ में आया, हाँ भाई जो अपना मेरा मेरा मेन फंडा वो अड़ा किस पे भाई, स्टॉक की अमाउंट है जो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कर दूंगा शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल सा, 4, 7, 8, 10, 19, 25 ये कर दिया मैंने शॉर्ट। अब साथ में अभी देखो अभी इंडेक्स बिगड़ गए, ठीक है, इसका इंडेक्स एक्चुअल में 4 वाले का था 5, लेकिन यहाँ पे आ गया इसका इंडेक्स 1, 1 बेस इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस 4 वाले का मैं कितने स्टॉक खरीद सकता हूँ शॉर्ट करने के बाद, तो मामला खत्म हो गया सारा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ ये भी स्टोर करने पड़ेंगे भाई, ठीक है, इसका मतलब आपको साथ साथ ये भी स्टोर करोगे जब आप, तो आपका इस फॉर्म में अपना शॉर्ट हो गया जाएगा जी, ठीक है। 4 ये रहा अपना 1 पे, ये था अपना 3 पे, ये था अपना 6 पे, तो आपके पास शॉर्ट करने के बाद फाइनल जो एक एरे बन कर आएगा, ठीक है, वो ऐसा बन के आएगा, फिर आप सिंपल वो से ट्रेवर्स करते चलोगे, ठीक है, इसके देख लोगे आप कितने खरीद सकते हो, जब आपके पास वो अमाउंट हो गया आप इसके देखोगे खरीद तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास मतलब दिए हुए कितने आएंगे, मैक्सिमम कितने खरीद सकता हूँ 5, तो आप 25 की जगह कितने खरीदोगे, 5 अपने 20 रुपये इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है, 5 अपना 100 प्लस कर दोगे, फिर आप इस पर आकर देखोगे, ठीक है, 80 में से ये मैं कितना खरीद सकता हूँ, 10, 11 खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे को कहा है कि आप 2 से ज़्यादा खरीद नहीं सकते, बेशक आपके पास अमाउंट हो, तो आप कितना खरीदोगे, 2 ही खरीदोगे और 14 रुपये इसमें से माइनस कर दोगे, तो इस तरह से आप करते चलोगे जब तक कि आप खरीद सकते हो और लास्ट में सब कुछ रिटर्न कर, अपना जो आंसर आएगा उसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कितना लग रहा होगा, आप शॉर्ट कर रहे होंगे तो आपका टाइम लगेगा एन लॉग एन, उसके बाद आप उसको शॉर्ट करने के बाद ट्रैवर्स भी करोगे तो ओवर अपना ओवरऑल अपना क्या रहते हैं भाई एन लॉग एनी टाइम आ रहा होगा। स्पेस की बात करें, अभी इसको आप किसी में पुट करके इंडेक्स वाइज पुट करोगे फिर शॉर्ट करोगे, ठीक है, तो स्पेस एक्स्ट्रा यूज होगा, वो होगा अपना ऑफ एन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चलते हैं करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। सबसे पहले इसको अपना सी प्लस प्लस में कोड करते हैं, ठीक है, एक तो आंसर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है जी, इसको हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। और एक अपना अब हमें क्या क्या चाहिए भाई, वेक्टर ऑफ पेयर की फॉर्म में, ठीक है, सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, पेयर की फॉर्म में एक टेम करके वेक्टर बना लेते हैं, 4 int i = 0 i<n i++, ठीक है, टेम्प में क्या करेंगे भाई, टेम्प डॉट पुश बैक, पुश बैक, ठीक है, क्या करेंगे भाई, प्राइस तो डाल लेंगे करंट स्टॉक जिस पे भी हम अभी ट्रेड करके आए हैं, ठीक है, साथ के साथ उसकी कितनी क्वांटिटी हम 1% इंडेक्सिंग के हिसाब से खरीद सकते हैं वो डाल देंगे, बाद में इसको क्या करते हैं भाई, शॉर्ट टेम्प डॉट बिगिन टेम्प डॉट एंड, ठीक है, इसको कर दिया हमने शॉर्ट। अब हमने क्या करना है, शॉर्ट करने के बाद अपने पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये बन के आ जाएगा, उसके बाद हम इस पे ट्रेड कर लेंगे, 4 auto x फ्रॉम टेम्प, ठीक है, ये ट्रेड करा हमने। अभी हमें क्या चेक करना है भाई, अगर जो करंट स्टॉक पे हम है उसकी अमाउंट किस पे पड़ी है, फर्स्ट पे, ठीक है, पहले स्थान पे ये देखो ये पड़ी है फर्स्ट पे, अगर उसकी अमाउंट लेस देन इक्वल है जितनी अमाउंट हमारे पास बची है के में, तो ही हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो ही उसका एक सिंगल स्टॉक खरीद सकते हैं, वरना स्टॉक नहीं खरीद सकते, तो वहाँ तक का आंसर हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर हम मान लीजिए पहले पे आए, ठीक है, हमने चेक करा ये हमारी कंडीशन नहीं मीट हुई, आगे भी तो किसी में हो सकती है, लेकिन आप तो इसे रिटर्न कर जा रहे हो, लेकिन ध्यान दो हमने ऊपर शॉर्ट कर चुका है, अगर किसी एक मान लीजिए हम सेकेंड प्लेस पर हैं उसकी वैल्यू स्टॉक की सिंगल की ग्रेटर हो जाती है कैसे, तो उससे अगले वालों की तो ग्रेटर ही रहेगी, शॉर्ट कर चुके हैं, तो इसलिए वहाँ से हम अपना ऐड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर को, जो भी वहाँ तक अपना आंसर बन चुका होगा, ठीक है। अभी इसके अंदर आएंगे, इसका मतलब हम सिंगल अमाउंट कम से कम खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, ठीक है, तो हम कैन बाय BUY कैन बाय करके बनाएंगे एक वेरिएबल जिसमें हम पुट करेंगे कि भाई हाँ हमारे पास जो पैसे हैं उसके अंदर हम इसकी कितनी अमाउंट खरीद सकते हैं, ये आ गई। अभी हम वो नहीं देख रहे कि हम मतलब हमारे पास दी हुई कितनी है, ठीक है, वो नहीं देख रहे, हम ये देख रहे इतने पैसे में हम खरीद कितनी सकते हैं अगर हमें बिल्कुल ही छूट दे दी जाए, ठीक है, तो हम चेक करेंगे अगर कैन बाय उस लिमिट जो हमें लिमिट दिया है कि आप इतने खरीद सकते हो उसके अंदर अंदर आता है, ठीक है। अब लिमिट कहाँ पे स्टोर है, उसके सेकंड में, ठीक है, कंट्रोल चेट, ठीक है, हाँ लिमिट यहाँ पे स्टोर है, अगर उससे कम है अपनी तो उतने हम बाय कर लेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू कैन
बाय, उतना हमने बाय कर लिया और के में से उतनी अमाउंट, अब उतने बाय कर लिया तो उतनी अमाउंट कम कर दी, ठीक है। कैन बाय, इतने स्टॉक हमने बाय करे किस रेट पे, एक्स डॉट फर्स्ट रेट पे, ठीक है। अगर मान लीजिए अपनी वो अमाउंट आती है ज़्यादा कैन बाय वाली, जैसे हमने चार के केस में देखा था, ठीक है, चार के हम पाँच बाय हमें वो, मतलब लिमिट दी थी 5 आप मैक्सिमम बाय कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जो पैसे थे वो थे 100 रुपये, हम 25 बाय कर सकते थे। इसका मतलब ये 25 ग्रेटर हो जाता है उस 5 से, ठीक है। तो हम एल्स में आएंगे उस केस में, ठीक है। एल्स में आएंगे तो हमें क्या करना है भाई, आंसर में कैन बाय नहीं, जितनी हमारे पास लिमिट है वो प्लस करना है, ठीक है। और इसमें से एक्स माइनस इक्वल टू, अब कैन बाय वाले तो हम बाय नहीं कर रहे क्योंकि बाय तो हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिट तो एक्स डॉट सेकेंड की है, तो एक्स डॉट सेकेंड अमाउंट के जितने भी हमारे पास स्टॉक की जो टोटल अमाउंट बनेगी वो कर देंगे माइनस, लास्ट में अपना सब कुछ सही चलना चाहिए, ठीक है। देन करते हैं इसको गाइस, कोई आएगा देख लेंगे। जी हाँ 13 आना चाहिए था, 13 ही आ रहा है। इसको करते हैं सबमिट, फिर चलते हैं इसके जावा कोड की तरफ। ये अपना सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो गाइस अब करते हैं अपना जावा कोड, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ पे पेयर का कंसेप्ट नहीं होता है तो हम पेयर बना सकते हैं, फिर अपना मैट्रिक्स से कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले शायद हमने ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, मतलब जिसमें हमें पेयर की जरूरत पड़ती थी जावा में, वो हमने किया था मैट्रिक्स से, वहाँ पर मैंने कहा था या तो पेयर से कर सकते हैं फिर मैट्रिक्स से, तो यहाँ पर हम करेंगे उसको पेयर से, ठीक है, ताकि आपके दोनों मेथड अपने क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पेयर बना लेते हैं कि इसमें फर्स्ट सेकंड करके, ठीक है। जैसे अपना क्या कहते हैं भाई, सी प्लस प्लस में होता है ना, वैसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपना थोड़ा आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। दिस डॉट फर्स्ट, जो भी हम ए बी में भेजेंगे वो फर्स्ट और सेकंड में हम अपना स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये हो चुका है जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अपना पेयर का एक एरे बना लेंगे टेम्प, ठीक है, न्यू यार न्यू न्यू पेयर करके एन साइज का एक आंसर ले लेंगे 0, और एक हमें नीचे वेरिएबल चाहिएगा कैन बाय, उसको भी ले लेंगे 0। फोर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। टेम्प ऑफ आई क्या हो जाएगा भाई, न्यू पेयर, ठीक है, उसके अंदर अपना क्या जाएगा, प्राइस ऑफ आई कोमा आई प्लस वन, एक एक न्यू न्यू पेयर बना के हम उसमें पुश करते चले जाएंगे। उसके बाद हमें एरेज डॉट सॉर्ट करना है किसको भाई, टेम्प को, न्यू कंपैरेटर, बिल्कुल ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं, एट द रेट ओवर राइट किसको भाई, पब्लिक इंट कंपेयर फंक्शन को, उसके अंदर मेरे पास दो पेयर आ रहे होंगे, पेयर ए और पेयर बी, ठीक है। अगर ए डॉट फर्स्ट लेस देन होता है बी डॉट फर्स्ट से तो रिटर्न कर देंगे उसको, सबसे पहले प्रेस कर देंगे -1। अगर ए डॉट फर्स्ट इक्वल इक्वल होता है बी डॉट फर्स्ट के तो 0, ठीक है। कंट्रोल जेड करो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर आओ, वो ना रिटर्न करेंगे 1। ये वो अपना सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलन थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में अपना रिटर्न आंसर तो होगा ही, बीच में आंसर को बना भी लेते हैं, 4 int i = 0 आई लेस देन एन एंड अबे यार आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ टेम्प ऑफ आई डॉट फर्स्ट, जो भी प्राइस है अगर वो लेस देन इक्वल टू है केस है, सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पर हम अपना कोड कर रहे हैं। तो कैन बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने हम उस टाइप के खरीद सकते हैं, करंट जो हमारे पास अमाउंट है उसका यूज कर के, इफ कैन बाय इज लेस देन इक्वल टू टेम्प ऑफ आई डॉट सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आएगा अपना फर्स्ट, क्योंकि हमें अमाउंट से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर लिमिट से कम ही है तो आंसर प्लस इक्वल टू कैन बाय, कैन बाय कैन कैन बाय, ठीक है। और के माइनस इक्वल टू कैन बाय मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय टेम्प ऑफ आई डॉट फर्स्ट, जो भी अमाउंट टोटल अपनी बन के आगे उसे माइनस कर देंगे, वरना क्या करेंगे भाई अपना
आंसर प्लस इक्वल टू एक्स डॉट सेकेंड, मतलब हम खरीद तो जा सकते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे क्योंकि लिमिट हमको उतनी नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स डॉट यार एक्स क्यों लिख रहा हूँ फिर मैं, टेम्प ऑफ आई डॉट सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टेम्प ऑफ आई डॉट फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली ऊपर से भी एक्स कोड आओ यार, टेम्प ऑफ आई आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। अगर हम खरीद ही नहीं सकते तो अपने को क्या करना भाई, सिंपल एल्स रिटर्न जो भी अब तक का आंसर बना वो, ठीक है। ठीक है जी, इसको वाइट स्पेस को देते हैं उड़ा यहाँ से ताकि अपना थोड़ा सा सोना सा लगे, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, अभी ऊपर ही क्लास भी बनी पड़ी अपनी, नहीं चलना चाहिए वैसे तो, सही चल रहा है। इसको करते हैं सबमिट, और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। फिलहाल तो अभी अपना आया है टाइम लिमिट एक्सीड, देखते हैं क्यों आया है, क्या कारण बन सकता है इसका आने का, देखते हैं वो भी, देखते हैं अभी यार गाइस। जावा के एक अलग ही नशे हैं भाई, तो कुछ इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं हम, एक तो ये कर सकते हैं, देखो ये चीज़ अपनी कॉन्स्टेंट है ना, यहाँ पे भी चेंज क्या हो रही है, टेम्प डॉट आई डॉट सेकेंड, और उसकी जगह यहाँ पर आ रहा है कैन बाय, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे, कैन बाय अपने पास आ गया, टेम्प ऑफ आई डॉट सेकेंड अपने पास ऊपर ही है, एक करके इंट मिन करके एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। एम एन बना लेते हैं, मैट डॉट मिन किस में से भाई, कैन बाय कॉमा एक्स डॉट सेकेंड, दोनों में जो मिनिमम है उसे ले रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे एम एन, सिमिलरली यहाँ पे प्लेस करेंगे एम एन, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं, इसको दिया उड़ा, इसको भी उड़ा सकते हैं, इसको भी दिया हमने उड़ा, ठीक है। इसको शिफ्ट टैब कर देंगे, अभी चला के देखते हैं क्या कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं, पढ़ना तो चाहिए। हाँ भाई पढ़ गया है, एरर आ गया, ठीक है। मैं 2 मिनट में क्यों एरर दिखा रहा है भाई, ये एक्स कुछ है नहीं ना इसलिए एरर दिखा रहा है, टेम्पो भाई, ठीक है। हम चलाते हैं, अभी सही चल रहा है, देखते हैं सबमिट करके, ठीक है, क्या कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे वैसे तो कुछ, वैसे वो एरर आने नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी चलो आ रहा है तो देख लेते हैं भाई इसको। 10 10 तक तो चल गया, 10 66 पे, ठीक है जी, थोड़ा सा तो बढ़ा, ठीक है। और देखते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम अपने इसमें। आंसर प्लस इक्वल टू मीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं भाई, इधर ब्रैकेट लगा के देखते हैं एक तो, ठीक है, क्योंकि भाई जावा ने जो नशे किए हैं उसको हम कुछ नहीं कह सकते। अभी सबमिट करते हैं एक बार, क्या पता सबमिट हो जाए, ठीक है। 10 66 तक था, अबे भाई 698, ओ एक ब्रैकेट से, अच्छा दोबारा सबमिट करता हूँ इसी पर ऐसे ही सेम, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ 698 आएगा, कुछ और आता है, क्योंकि अगर कुछ और आता है फिर तो भाई अलग इशू है, फिर तो उसका कुछ भाई क्या ही करेंगे वो। अरे भाई कुछ चेंज भी नहीं किया भाई, 698 से 985 अपने अभी भाई अलग ही नशे चल रहे हैं, तो क्या ही करें भाई। और क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी डॉट फर्स्ट, मतलब हमें मिनिमम रिटर्न करना है, ठीक है। अगर वो उससे लेस होता है, अगर वो उसके इक्वल होता है, जीरो इक्वल होता है तो जीरो रिटर्न करना है, और अगर ग्रेटर होता है, ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर होता है बी डॉट फर्स्ट से, तो जीरो से ग्रेटर रिटर्न करना है, वरना जीरो, वरना जीरो से लेस, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, रिटर्न ए डॉट फर्स्ट माइनस बी डॉट फर्स्ट, ठीक है। थोड़ी और ऑप्टिमाइजेशन कर दी हमने, अब ये क्या करेगा, देखो अगर इक्वल होगा तो जीरो रिटर्न अपने आप कर देगा, जो हमने वहाँ पे कंडीशन लिखी हुई थी। अगर ए ग्रेटर होगा ये वाला बी से, तो हम वहाँ पे 1 रिटर्न कर रहे थे, कुछ भी प्लस का रिटर्न हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 रिटर्न करना है कुछ भी। और अगर ये लेस होगा तो जीरो से कम रिटर्न हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 जरूरी नहीं है, जीरो से लेस रिटर्न कर दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। अभी देखते हैं इसके नशे कैसे हैं भाई, ठीक है। 942 भाई, ऊपर नीचे कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसको कुछ भी मतलब कर दे रहा है भाई, कभी 600 कभी 900 भाई। और कुछ देखते हैं, चलो क्या ही कर सकते हैं और इसमें यार, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, इस डिक्लरेशन भी थोड़ा सा टाइम लगती है अपना, ठीक है। एक काम करते हैं इसको एम एन यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं जीरो से, ठीक है। अभी सबमिट करते हैं एक बार, और तो इससे ज़्यादा क्या ही करूँगा यार इसमें कम मैं।
778 अलग ही है भाई ये। इसमें तो मैं कुछ और भाई कम कर नहीं सकता इसको, तो क्या कर सकता हूँ। आई को भी नहीं ऊपर डिक्लेयर कर दो क्या भाई? लो आई भी डिक्लेयर कर दिया भाई, और बोल लो तुम, 2 बार आई डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। लो जी और बोल लो, अब सबमिट करते हैं भाई। अभी छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ रही है यार, एक एक रास्ते से पास करने के लिए। भाई चला तो 972 फट फट गया भाई। भाई अलग ही सीन है यार, इसको भी प्राइवेट में पाके देख लेता हूँ यार। देखो करते हैं सबमिट, ठीक है भाई। 10-12 बार तो कर चुका हूँ यार सबमिट। फट गया भाई ये, फिर 851 पे। ठीक है क्या कर सकता हूँ यार, टेम्प डॉट इस कुछ इधर कुछ कर सकते हैं क्या? रुक 1 मिनट, टेम्प डॉट आई डॉट फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू के, ठीक है लेस देन के है तो हम कर रहे हैं, ठीक है चलो मान के चलते हैं। अगर ये ग्रेटर देन के है, अगर ये ग्रेटर देन के हुआ तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। ये 0 आ गया तो कैन बाय स्मॉल हो जाएगा, ठीक है तो ये 0 आ जाएगा, मिनिमम 0 मतलब आंसर में उस केस में कुछ प्लस नहीं होगा, के में से कुछ माइनस नहीं होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, लो भाई और बोल लो भाई, 2 भी हट, ठीक है चलो भाई। मतलब अभी हम बीच में लूप ब्रेक नहीं होगी, अपना लूप लास्ट तक चलेगी, बस वो 0 0 प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि अब तो भाई, अब तो हो जाए यार भाई, 937 यार नकली भाई, क्या करें। कैन बाय से इसको रिप्लेस कर दोगे, अब इसको रिप्लेस कर दोगे कैन बाय से? कर देता हूँ यार और बोल लो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी तू निकल, और कैन बाय तू भी निकल, ठीक है तेरी हमें जरूरत नहीं है। अब सबमिट करता हूँ भाई, एक बार और देखते हैं यार क्या अब तो हो जाए सबमिट भाई, तुम्हारा भी टाइम खराब हो रहा। ठीक है 840 भाई, ये क्या करके दो भाई इसको भाई, एक लास्ट बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है क्योंकि इशू आना नहीं चाहिए यार, ये मेरे ज़्यादा GFG वालों का ही कुछ पंगा है, ठीक है। सेम कोड मतलब एक बार सबमिट हो रहा है, अभी देखो 926 तक पहुंच गया सेम कोड, ठीक है इसको दोबारा सबमिट करता हूँ। देखो अब ये कभी 700 600 पे, हो सकता है 1000 पे चला जाए, ठीक है 904 पे, अभी 926 पे गया था, अभी 904 पे, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम कर सकते हो आप, दोनों कोड में ये वाला कोड भी और C++ का भी दोनों शेयर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपका मतलब POTD कंप्लीट करनी है, मतलब आपका मेथड समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गई, POTD आपको कंप्लीट करनी है, तो आप C++ वाला सबमिट कर सकते हो, ठीक है इसको भी ट्राई कर सकते हो आप, हो सकता है आपकी बारी में सबमिट हो जाए, क्योंकि मेरा सबमिट हुआ था, ठीक है। अभी मतलब कभी 900 कभी 700 कभी 1000 चला जा रहा है, कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है इसका, खुद इसको खुद नहीं अपना पता भाई, मतलब कितने केस रन कर रहा है कितने नहीं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू वगैरह के कारण भी हो सकता है इशू, ठीक है। नेट भी मेरा 2 डंडे है भाई, हो सकता है उसके कारण कुछ टाइम वगैरह ले रहा हूँ। तो आप एक बार दोनों कोड में शेयर करूँगा, दोनों के साथ चला के देखना, मतलब C++ वाला सबमिट होगा ही, ठीक है सबमिट ये भी मतलब होना चाहिए जेनवनली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, अपलोड आपको समझ में आएगी। योगी मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।